हेलो सर, सर आपकी बार गजब सुपर हिट स्टोरी मिल गई है सर। सुपर हिट स्टोरी? ये तो भाभी के डिवोर्स की स्टोरी मिल गई क्या? अरे वो सब फालतू की नहीं सर, इस बार मिल गई है एकदम हिट ओरिजिनल स्टोरी। बे उल्लू के पट्टे, तुझे कितनी बार समझाए हम बॉलीवुड वाले, हमें अच्छी ओरिजिनल स्टोरी मत सुनाया कर साले। अरे सर सुनो तो सही एक बार सर, स्टोरी में सोशल मीडिया है सर, AI है, जेन जी का लव मोहब्बत सब कुछ है सर। अबे चुप साले, हमें मत बता सोशल मीडिया पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है, हमें सब पता है सोशल मीडिया के बारे में। आपको क्या पता है सर सोशल मीडिया के बारे में? बताऊं मेरे को क्या पता है? हाँ सर बताओ ना, क्या पता है आपको? भाई मुझे पता है कि अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई, मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। इम्तियाज अली की एक फिल्म आई थी रॉकस्टार, उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग था, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। और अब बॉलीवुड के साथ दिक्कत ये हो गई है कि बहुत से लोगों की इमेज की एकदम टोटल बम्बू हो गई है। उन्हीं में से एक है अनन्या पांडे। जब जब उनकी कोई पिक्चर आती है, इंटरनेट पे रिव्यूज जो है चाकू छुरी तेज करके बैठ जाते हैं कि यहाँ इसकी पिक्चर आई या हम काटन पीटी करके चार पैसे कमा ले। वैसे जब इनकी नई पिक्चर रिलीज हुई तो मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था, लेकिन साली पिक्चर बढ़िया निकल गई, मेरा प्लान हो गया टाइम टाइम पीस। अगर आप इंटरनेट पर दूसरों की तलाक की स्टोरीज देख देख कर और उनके ऊपर लिखे गए बड़े बड़े रेडिट थ्रेड देख देख कर चुके हैं तो आप एक नई पिक्चर देख सकते हैं जिसका नाम है कंट्रोल, जो कि आई है नेटफ्लिक्स पर। मैंने देखी वो पिक्चर, मुझे कैसी लगी और कैसी नहीं, इस सारी की सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा अगले 5 पॉइंट्स में। और सबसे पहले शुरुआत करता हूं फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द फिल्म के। फिल्म का प्लॉट ये है कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर कपल है जो व्लॉग्स बना बनाकर मशहूर हो गया। ये अनटशन उल्टे सीधे व्लॉग बना बना के डालते रहते हैं। इनकी लाइफ में और कोई किसी चीज की वैल्यू नहीं है, हर चीज इनके लिए कंटेंट है। कोई भी ऊटपटांग हरकत हो उसका कंटेंट बना के इंटरनेट पे डालो और वहां से ये पॉपुलर हो गए। अब इस कपल में मैडम जो है वो अपने सर के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है और वो सरप्राइज काफी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसके बाद इनके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है। मुझे मालूम है आप लोग को क्या लग रहा है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, सच में पिक्चर का प्लॉट ही है, मैं क्या करूँ इत्तेफाक है। बहरहाल कपल अब अलग हो जाता है और उसके बाद लड़की साइन अप करती है एक ऐप पे कॉल्ड CTRL यानी कि कंट्रोल। उस ऐप पे साइन अप करने के बाद इनकी जिंदगियों में क्या भूचाल आता है, क्या टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती हैं, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म की कहानी बेस्ड है। प्लॉट की अगर बात करूं तो प्लॉट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। AI, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप, बहुत सारे रेलिवेंट जेंजी और मिलेनियल्स कोहोर्ट को लेकर फिल्म बनाई है, विच इज एक्चुअली वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सो फॉर द प्लॉट तुम सब। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल्स में है अनन्या पांडे और विहान सामत, और मेरे तो भाई साहब ये बोलते हुए हाथ पैर थर थर आ रहे हैं कि एक्चुअली इस पिक्चर में दोनों ने अच्छा काम करा है। रिव्यूअर्स और उनमें बस रहे जोकर की कम्युनिटी से निकाले जाने के डर के बावजूद मैं ये बोल सकता हूँ कि अनन्या पांडे हैज दिस टाइम डन अ वेरी वेरी गुड जॉब विद द फिल्म। फिल्म का 80% भार उनके कंधों पे था एंड शी हैज समहाउ मैनेज टू पुल ऑफ अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस विच इज ऑलमोस्ट लाइक कमिंग ऑफ एज फॉर हर। विहान सामत ऑन द अदर हैंड इज डिसेंट, देयर इज नॉट मच फॉर हिम टू डू इन द फिल्म। ज्यादातर फिल्म अनन्या के इर्द गिर्द ही चलती है, लेकिन जहां जहां वो दिखाई दिए हैं उन्होंने भी अच्छा काम करा है। यहाँ पे स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा मेरे दोस्त समित गंभीर को भी, एक सीन के अंदर वो आते हैं और जेन्युइनली इंप्रेस करके जाते हैं। सो ओवरऑल फॉर द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो अनदर थम्स अप। पॉइंट नंबर 3, द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म। यहाँ पे फिल्म का सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव पार्ट आ जाता है। फिल्म डायरेक्टोरियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिल्म एक जेन्युइनली नई लैंग्वेज को ढूंढने की कोशिश करी है विक्रमादित्य मोटवानी ने। हालांकि उन्होंने वो कोशिश भावेश जोशी में भी करी थी, लेकिन किसने देगी भावेश जोशी से। सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि जेंजीज को नॉन जजमेंटल तरीके से समझने की उनको दिखाने की कोशिश करी गई है। हमने अब तक बॉलीवुड में देखा जेंजी मतलब एक रात में वायरल हो गए, ये हो गया वो हो गया, कॉल मी बे तक में वो सारी नौटंकी थी, बट यहाँ पर एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग आती है इस कम्युनिटी के बारे में भी। फिल्म की वाइब एकदम फ्रेश है, एडिट बहुत फ्रेश है, अलग अलग कैमरा एंगल्स हैं, सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि आपने अगर अनीश छगंती की सर्चिंग देखी है या फिर उनकी मिसिंग देखी है तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको लगेगा कि सारी की सारी चीजें वहां से उठाकर यहां पर डाल दी गई हैं, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये फिर भी एक डिसेंट अटेम्प्ट था। सो फॉर द डायरेक्शन आल्सो आई वुड से गुड जॉब। पॉइंट नंबर 4, द एंड ऑफ द फिल्म। फिल्म एक ठीक ठाक नैरेटिव बना लेती है, एक ठीक ठाक सस्पेंस बना लेती है और ऐसा लग रहा था कि एक लार्जर देन लाइफ एंड की तरफ जाएंगे, लेकिन एंड में आते आते मुझे कहानी थोड़ी सी फुसोती दिखाई दे गई। आई कुड प्रेडिक्ट कि एंड क्या होने वाला है, एंड में क्या हुआ होगा, और वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगी।
फिल्म अपनी लैंग्वेज भी भूल जाती है एंड में एकदम सिनेमैटिक पिक्चर हो जाती है जिसको देख के थोड़ा सा अटपटा लगा. आई रियली थॉट दैट द बिल्डअप वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड एंड बट ओवरऑल इट जस्ट एंडेड अप बीइंग अ बिट ऑफ अ डैम्पनर. सो वो चीज़ कुड हैव बीन बेटर. थम्स अप भी क्या, थम्स डाउन भी क्या, चलो छोटी मोटी चीज़ें माफ कर दी. पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे गाइस मेरे पास कोई पांचवा पॉइंट बोलने के लिए नहीं, चार ही पॉइंट मुझे मिले इस पिक्चर के अंदर. पांचवा पॉइंट ये है कि मेरा भी नया शो आया इंडियाज क्रेजीएस्ट स्टोरीज जिसके 5-6 एपिसोड्स निकल गए हैं. अगर आपके पास फुर्सत हो थोड़ा सा तो कोई भी एक एपिसोड को जाकर देखिएगा एंड लेट मी नो व्हाट योर फीडबैक इज. बाकी अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ, मैं इस पिक्चर को देना चाहता हूँ 4 stars out of 5. सरप्राइजिंगली मुझे पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी. इट्स अ जेन्युइन सरप्राइज पैकेज वेटिंग फॉर यू. अगर आप लोग को इस तरह की थ्रिलर्स पसंद हैं यू विल लाइक इट एज़ वेल. जाइए पिक्चर देख के आइए और अगर अग्री करते हैं तो फिर आके सब्सक्राइब कर दीजिएगा. वैसे ही कर जाओ यार, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है. ये किसी के चार अपन बैठ के दो स्नीकर और ख़रीद लेंगे, नहीं हो पा रहा है. एकदम मनूस भी तो मार.